नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज हम फिजिक्स का अगले टॉपिक का न्यूमेरिकल लेकर आपके सामने आए हैं, गति और गति समीकरण, इन मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन से संबंधित जो सवाल है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में या एलपी के एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा गया है, आज हम लोग उसी का डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि पिछले सारे न्यूमेरिकल को आप लगातार देखते आ रहे होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री का भी फिजिक्स का भी जो न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं सारे प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, और जो नहीं देखे जरूर देख लें क्योंकि आपके एग्जाम में यही न्यूमेरिकल रामबाण साबित होगा। इसलिए मेरे दोस्त न्यूमेरिकल देखना ना भूले, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, अलग अलग चैनल से भी अपने से भी पूरा कर लिए हैं, लेकिन आज तक किसी ने न्यूमेरिकल पर जोर नहीं दिया। और एक बार वो न्यूमेरिकल बना लेने से, चूंकि न्यूमेरिकल मैथ्स है और आप एक आदमी न्यूमेरिकल कभी बना लेंगे तो उससे आपके एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में तभी आपसे बनेगा जब फुल्ली आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मेरे दोस्त डेली रात के 8 बजे हम आपके साथ आते हैं न्यूमेरिकल को लेकर। तो 8 बजे रात में डेली पर डे मंडे टू सैटरडे हम आपके साथ हैं, सिर्फ संडे को मेरा रेस्ट रहता है। तो मंडे टू सैटरडे 8 बजे रात में आप डेली आए हमारे चैनल पे और इस न्यूमेरिकल का मजा लें। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए आते हैं, देखते हैं कि भाई ये न्यूमेरिकल क्या है, किस टाइप के सवाल इस आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला सवाल है जो आपके ग्रुप डी एग्जाम 2018 में, यानी आपके ग्रुप डी परीक्षा 2018 में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, और उसी को देखते हैं कि आखिर ये कैसे बनता है। और जितना भी क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, और इस पैटर्न का या तो सेम क्वेश्चन या तो डाटा चेंज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अतः आप जो है इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखें और डेली रात के 8 बजे आप मेरा साथ दें, आप मेरे साथ आए। आधे घंटे का, 25 मिनट का, 30 मिनट का, 35 मिनट का वीडियो रहता है, उतना देर कम से कम आप बने रहें, ताकि न्यूमेरिकल यदि 4 को पूछा जाए तो 4 का 4 आप बना कर आइए और लगभग 4,40,00,000 बच्चों से आप आगे हो जाइए, और तभी जाकर आपका फाइनल रिजल्ट होगा बाबू। इसलिए इस न्यूमेरिकल को देखना ना भूले। रेगुलर कितने बजे आना है? रात के 8 बजे। कितने बजे? तो रात के 8 बजे हमारे चैनल पर आप आ जाएं। इसके अलावा स्टैटिक का भी ढेर सारा वीडियो रहता है, आप उसे भी देख सकते हैं जो आपको जरूरत लगे उसके हिसाब से, क्योंकि एग्जाम आपके सामने है और काफी एग्जाम अलग अलग तरह का, बहुत लोगों का सीटेट का एग्जाम भी है, ग्रुप डी का एग्जाम भी है, बीपीएससी का भी है, बीआरएसएससी का भी बहुत सारा एग्जाम है। तो हर एग्जाम में हमारे कॉन्टेंट आपको काफी पॉजिटिव सपोर्ट करेगा, इसलिए आपका स्वागत है, बिल्कुल आप आराम से पढ़िए। तो चलिए आइए न्यूमेरिकल देखते हैं क्या पूछा है भाई। तो ये कहता है कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, ध्यान दीजिएगा कभी भी न्यूमेरिकल बनाइए तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लीजिए, क्या क्या दिया है भाई। तो कहता है कि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, इसका मतलब W का मान कितना दे दिया भाई, W का मान 200 न्यूटन दे दिया, यानी वस्तु का वेट कितना दे दिया, तो 200 न्यूटन दे दिया। तो कहता है कि बताइए इसका द्रव्यमान क्या होगा, यानी आपसे मास के बारे में बोला कि जिस ऑब्जेक्ट का वेट जो है 200 न्यूटन है, तो बताइए उसका मास क्या होगा, यानी उसके एक्चुअल मास के बारे में आपसे पूछा। तो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला वेट और मास के रिलेशन में पढ़े होंगे, W = mg पढ़े है ना, क्योंकि किसी वस्तु का वेट जो है उस वस्तु के द्रव्यमान में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी जो नीचे की ओर उसको खींचती है, उस पर जो बल लगाती है, उसी दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो W = फॉर्मूला क्या होता बाबू रे, तो W = फॉर्मूला होता mg, W = फॉर्मूला क्या होगा mg। अब देखिए W का मान कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन दिया है, और स्मॉल जी का मान आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, 10 m/s² नहीं भी दिया रहे तो आप याद रखिए स्मॉल जी का मान जो है या तो 10 m/s² होता है या कितना होता है, या तो स्मॉल जी का मान 9.8 m/s² होता है। तो आप देखेंगे जिससे आसानी से डाटा कट जाए, इस दोनों में वही मान क्या करना है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो कभी 10 का अप्लाई करके आसान
आसानी से कटेगा तो 10 अप्लाई कर देंगे, कभी 9.8 से आसानी से करेगा तो 9.8 अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर फॉर्मूला W बराबर क्या होता है, mg, और आपसे पूछा क्या m, तो जब आपसे m पूछा तो क्या m बराबर W बट्टा g नहीं हो जाएगा, तो कहेंगे हां सर हो जाएगा। अरे जब W बराबर mg तो m का मान क्या होगा, W बट्टा g। अब देखो बाबू W का मान कितना दे दिया, तो W का मान दे दिया 200, और G का मान कितना होता है भाई, तो G का मान 10 होता है। दोनों को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, काट देंगे तो 20 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि आपसे मास पूछा था और मास का एसआई मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। तो इसका आंसर क्या आ गया, 20 किलोग्राम है किसी ऑप्शन में क्या, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी में, अतः इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कितना किलोमीटर भाई रे, तो आपका हो गया 20 किलोमीटर, यानी जिसका वेट 200 न्यूटन हुआ, जिसका द्रव्यमान 200 न्यूटन है, उस वस्तु का जिसका भार 200 न्यूटन है उस वस्तु का भार क्या होगा, जिसका भार 200 न्यूटन होगा उस वस्तु का द्रव्यमान जो है आपका 20 किलोग्राम होगा। कितना किलोग्राम, 20 किलोग्राम। कैसे निकला, तो आपको वेट दिया हुआ था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है स्मॉल जी जो है उसका मान आपको ऑलरेडी पता है, तो W बराबर mg, इसलिए m बराबर क्या हो गया, W बट्टा g, तो 200 बट्टा 10 की कितना हो गया, 20 किलोग्राम। पक्का ना, एकदम 100% दिमाग में सेट हो गया होगा, यदि सेट हो गया बाबू तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे हमसे जुड़ सके, और डेली आप रात में 8 बजे बिना कुछ सोचे समझे आपको 8 बजे अपने चैनल, आपका अपना चैनल जो है राहुल सवर्ण जीएस, उस पे आइए और डेली 8 बजे न्यूमेरिकल का आधे घंटे अपने जीवन का निकालिए, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा चेला। क्योंकि पता है तुमको भी कि सारे लोग न्यूमेरिकल को छोड़कर बाद में कि सब सेक्शन पर पूरा ध्यान दिया है, पिछले 2 साल से यही कर रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल से बच्चे डरते थे, तो आज आपको लगता होगा कि अब आपके अंदर का डर न्यूमेरिकल के प्रति खत्म हो गया होगा, तो शेयर कर दिएगा ताकि आपके मैक्सिमम दोस्त हमसे जुड़ सके। ये क्लियर हो गया ना बाबू, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं, देखिए बाबू अगला सवाल क्या कहता है, एकदम आराम से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, जो दिया लिखिए, जो पूछता है पटपट निकाल लीजिए। क्या कहता है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन दे दिया, यानी W का मान कितना दे दिया, 980 न्यूटन, यानी वेट दे दिया 980 न्यूटन, और कहता है गुरुत्व त्वरण का मान कितना है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो बताइए कि वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर त्वरण कितना दे दिया, गुरुत्व त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दे दिया, 9.8, तो जितना दिया उतना ही यूज करेंगे। तो चलिए W का मान आपको कितना दे दिया, 980 न्यूटन दे दिया, स्मॉल जी का मान कितना दे दिया, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया, तो आपसे पूछा क्या m बराबर हुआ, तो फॉर्मूला आपको पता है W बराबर क्या फॉर्मूला होता बाबू रे, तो W बराबर mg, W बराबर mg फॉर्मूला होता है, तो आपसे मास पूछा तो m बराबर क्या हो जाएगा, W बट्टा g, m बराबर W बट्टा g, तो W आपका हो गया 980 और g कितना हो गया 9.8, इसको भी उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में एक जीरो, अब इसको काट देंगे तो क्या बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा, अतः द्रव्यमान कितना किलोग्राम हो गया, 100 किलोग्राम हो गया, यानी जिसका भार 980 न्यूटन है उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, 100 किलोग्राम होगा, है किसी ऑप्शन में क्या, 100 किलोग्राम ऑप्शन नंबर ए में है, अतः आंसर क्या हो गया, 100 किलोग्राम हो गया। कोई कंफ्यूजन आपको, W दिया हुआ था, G दिया था, M पूछा, तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, W बराबर mg, M बराबर W बट्टा G, W बट्टा G, पक्का, पटपट मान बैठाए, सट सट कर दिए, खटखट आंसर आ गया, पक्का ना। चलिए मेरे दोस्त ये भी आपसे बन गया होगा, चलिए अगले सवाल पर, एकदम बाबू समय आपको बर्बाद नहीं करना है, मेरे चैनल पर आने का मतलब है कि 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पर काम करेंगे, और आप भी कॉपी कलम लेके बैठिए, पटपट क्वेश्चन देखिए, सरसठ बनाइए, तब बड़ी मजा आएगा, और अभी सिर्फ अच्छा से सुन रहे हैं नहीं बना पाते हैं तो बाद में एक बार जरूर बनाइएगा, क्योंकि यही न्यूमेरिकल रामबाण तुम्हारे एग्जाम के लिए होगा, यही तुम्हारी जिंदगी का सफलता और असफलता डिसाइड करेगा मेरे दोस्त। तो चलिए आइए देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल, कितना किलोग्राम का भाई रे, कहता है 3 किलोग्राम का एक पिस्तौल है, 3 किलोग्राम का एक पिस्तौल, यानी पिस्तौल का द्रव्यमान कितना दे दिया, 3 किलोग्राम दे दिया, कहता है पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड की वेग से,
यानी 180 मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक 40 ग्राम की गोली, यानी गोली का द्रव्यमान कितना है, तो गोली का द्रव्यमान 40 ग्राम और पिस्तौल का द्रव्यमान कितना था, 3 किलोग्राम। तो गोली कहता है 40 ग्राम की एक गोली जो है, गन की गोली जो है वो 180 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्षैतिज रूप में क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो कहता है बताइए कि पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा, यानी आपको गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है, गोली का वेग दिया हुआ है, पिस्तौल का द्रव्यमान दिया है और आपसे पूछा क्या, पिस्तौल का वेग क्या होगा। जैसे आप ऐसे गोली चलाते हैं तो गोली आगे निकलती है तो पिस्तौल का आघात किधर होता है, पीछे की ओर। कभी आप नहीं चलाए होंगे गोली चलाकर, देखिएगा, नहीं हम लोग तो कई बार चलाए हैं, हमको आइडिया है भाई। तो जैसे ऐसे गोली चलाइएगा तो गोली निकलेगा आगे और रिकॉल किधर करता है भाई, पीछे। गोली निकलेगा आगे तो रिकॉल किधर करेगा, पीछे। ध्यान दीजिएगा, गोली निकलेगा आगे रिकॉल किधर करेगा, पीछे, हल्का झटका देता है। आप देखे होंगे सेना लोग को भी, वो जब ऐसे गोली चलाता है तो ऐसे हल्का मारता है, तो हल्का जो आपको झटका देता है, तो उसी में बोला कि बताइए वो बंदूक जो है, वो बंदूक का जो प्रतिघाती वेग है, पीछे की ओर जो धक्का दिया है उसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी गोली निकलेगा आगे आघात होगा पीछे, गोली निकलेगा आगे आघात होगा पीछे, पक्का ना। चलिए तो इसके लिए जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आपका पिस्तौल की का जो वेग है और मास है, यानी उसका संवेग जो है और उस गोली के संवेग, दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा, क्योंकि गोली जाएगा आगे तो पिस्तौल आएगा पीछे, तो एक दूसरे के जब विपरीत होगा तो एक डाटा पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला अप्लाई होता है, कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब क्या हो गया, पिस्तौल का द्रव्यमान, कैपिटल भी का मतलब क्या हो गया, पिस्तौल का वेग, तो एम भी बराबर होता है स्मॉल एम और स्मॉल भी, लेकिन ये माइनस में होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि गोली आगे निकलता है तो रिकॉल पिस्तौल का किधर होता है, पीछे होता है। अब देखिए डाटा क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम का मान कितना दे दिया भाई, 3 किलोग्राम दे दिया, यानी पिस्तौल का द्रव्यमान 3 किलोग्राम दे दिया। अब पिस्तौल का वेग नहीं दिया है तो पिस्तौल के वेग को क्या मान लिए, कैपिटल भी मान लिए। अब देखिए छोटका स्मॉल एम का मान कितना दे दिया, स्मॉल एम यानी बोले तो 40 ग्राम किसका द्रव्यमान, 40 ग्राम गोली का द्रव्यमान है, तो जब 40 ग्राम गोली का द्रव्यमान है तो इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, तो 40 बट्टा कितना हो जाएगा, 1000 किलोग्राम, 40 ग्राम बराबर 40 बट्टे 1000 किलोग्राम हो गया। और उसका वेग कितना दिया हुआ है, स्मॉल वी का मान दिया हुआ है 180 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए चारों डाटा आपके सामने है, पिस्तौल का द्रव्यमान 3 किलोग्राम, पिस्तौल का वेग मान लिए भी, ये वेग निकालना ही है आपको है, और गोली का द्रव्यमान 40 ग्राम तो 40 बट्टा 1000 किलोग्राम और गोली का वेग कितना, 180 मीटर प्रति सेकंड। अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, मान अप्लाई करेंगे और उसको नीचे ऊपर करके काट देंगे, जो आंसर आएगा वही उसका क्या होगा, वेग होगा। तो आइए एम भी बराबर माइनस एम यू है, तो आप क्या कर सकते हैं, एम का मान 3 किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम गुने कितना, भी बराबर माइनस एम का मान कितना, 40 बट्टा 1000 गुने भी का मान कितना, 180। आपके सामने है जो जो डाटा दिया था, वो डाटा हम क्या किए, एम भी बराबर माइनस एम भी, यानी कैपिटल एम इंटू कैपिटल भी बराबर क्या हो गया बाबू, माइनस छोटका एम और छोटका भी। ये फॉर्मूला होता है कि पिस्तौल का संवेग बराबर माइनस गोली का संवेग, पिस्तौल का संवेग बराबर माइनस गोली का संवेग। जब भी पिस्तौल और गोली वाला सवाल आएगा तो ध्यान रखना है एम भी बराबर माइनस एम भी, यानी कैपिटल एम इंटू भी बराबर माइनस एम इंटू भी। अब सबका मान बैठा दिए, कैपिटल एम का मान कितना, 3 किलोग्राम, कैपिटल भी का मान पूछिए रहा था, स्मॉल एम का मान 40 बट्टे 1000 और स्मॉल भी का मान 180। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, चूंकि बट्टा में है तो ये 3 गुना 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये 3 गुना 1000 करेंगे तो 3000 केजी भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3000 केजी भी बराबर माइनस 40 गुना 180, तो भी का मान कितना हो जाएगा, माइनस 40 गुना 180 बट्टा 3000, माइनस 40 गुना 180 बट्टा 3000, 1010 कट जाएगा, 1010 कट जाएगा। अब ये बच गया 15 और ऊपर में कितना हो गया, 18 चौक
72 आई से काट गया दीजिए, दो दूना चार आई 15 से कट गया तो 18 दूना 36 हो गया, और 36 बट्टा कितना 15, तो 36 में 15 से डिवाइड कर कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 बच गया उधर 6, अब 15 चौक 60 तो 2.4 कितना 4, लेकिन ये डाटा किस में आएगा 2.4 जो आएगा माइनस में आएगा, तो भी का मान कितना हो गया -2.4, तो -2.4 मीटर प्रति सेकंड किस में है ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर क्या हो गया बाबू रे तो -2.4। देखिए कुछ भी नहीं किए, जो जो डाटा क्वेश्चन में दिया था उसका मान यहां पर हम लोग क्या किए आराम से लिख लिए, कैपिटल एम का मान दिया था, कैपिटल भी का यानी पिस्तौल का वेग पूछ रहा था, स्मॉल एम का मान 40 ग्राम तो 40/1000 कितना हो गया 40/1000 किलोग्राम, और स्मॉल भी का मान 180 ग्राम। अब सब का मान क्या किए यहां पर बैठा दिए, उसके बाद कटम कोटि किए यानी भाग दे के काटे तो 36/15 आया, इसको आप 2.4 लिख सकते हैं, तो आंसर क्या हो गया 2.4 मीटर प्रति सेकंड, पक्का ना। चलिए तो सारे बच्चे सवाल बन गया, कभी भी ध्यान रखिएगा पिस्तौल गोली वाला जब सवाल आपसे देगा तो ध्यान रखिएगा पिस्तौल रिकॉल करता है, पीछे की ओर धक्का देता है, अतः एम भी बराबर क्या होगा -MU, एम भी बराबर -MV, इन इधर बड़का और इधर छोटका, छोटका वाला माइनस बड़का वाला माइनस में, पक्का ना। चलिए तो अगला सवाल पर आते हैं हम लोग, देखिए भाई अगला सवाल क्या कहता है, एकदम आराम से देखिएगा बाबू, यह सवाल कहता है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल को, कहता है एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और दूसरा लग रहा है 5 न्यूटन का, तो कहता है 10 न्यूटन का और 5 न्यूटन के दो बल को एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाता है, यानी कहता है कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ई है, अब कहता है इस पर 10 न्यूटन का बल और 5 न्यूटन का बल दोनों लग रहा है और दोनों का डायरेक्शन क्या है समान है, तो कहता है बताइए कि वस्तु का कार्यता कुल बल कितना होगा, यानी 10 न्यूटन का भी बल लग रहा है और 5 न्यूटन का भी बल लग रहा है, तो कहता है वस्तु पर टोटल कितना बल लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर जब दो बल एक ही दिशा में लगता है एक ही डायरेक्शन में लगता है तो वहां पर थीटा कितना हो जाता जानते हैं, एक ही दिशा में बल लगे ये कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा कि जब बल एक ही दिशा में लगता है तो एक ही दिशा में जब बल लगता है तो थीटा का मान कितना होता है 0 डिग्री, जब एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स काम करेगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और जब अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है तब थीटा होता है 180 डिग्री। ध्यान देंगे सेम डायरेक्शन में रहेगा तो 0 डिग्री और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो 180 डिग्री, सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तब क्या होगा 180 डिग्री। तो यहां पर सेम डायरेक्शन में 10 न्यूटन का और 5 न्यूटन का बल काम कर रहा है तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और जब सेम डायरेक्शन में दो फोर्स काम कर रहा है तो वहां पर रिजल्टेंट फोर्स जो होता है आप जानते हैं आर बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 इनटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। आप रिजल्टेंट फोर्स जब आपसे पूछता है RF आपसे पूछा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा या कुल फोर्स क्या होगा, तो RF के लिए फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। ऐसा कुछ नहीं समझिएगा कि बाप रे बाप क्या लिखा गया, ये एक फॉर्मूला होता है कि जब दो फोर्स काम करता है तो रिजल्टेंट फोर्स जो है RF बराबर होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा अंडर रूट। तो यहां फॉर्मूला हम लोग लिख लिए, अब क्या करेंगे जो जो मान दिया हुआ है, देखिए F1 का मान कितना दे दिया 10 न्यूटन दे दिया और F2 का मान कितना दे दिया 5 न्यूटन दे दिया, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि cos थीटा थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और आपको पता है cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, cos 0 डिग्री बराबर 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा cos थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो गुने 1 कर देंगे, तो अब देखिए यहां पर ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बीजगणित में, अलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। पढ़े ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। पढ़े ना, तो यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? तो ई हो गया आपको F1 वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर। F1 वन प्लस एफ टू का क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो क्या रिजल्टेंट फोर्स जब ये अंडर रूट F1 वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर हो गया, तो इस रूट को हटा देंगे तो स्क्वायर भी क्या होगा? हट जाएगा। अरे ये रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा ना, ये रूट से स्क्वायर कट जाता है, हट जाता है। तो ये जब हट जाएगा तो आर एफ बराबर सिर्फ क्या बचेगा? F1 वन प्लस F2 बचेगा। क्या बच जाएगा? F1 प्लस F2। अरे बाबू, जब ये स्क्वायर में है और अंडर रूट में है, तो इसका नियम होता है कि अंडर रूट में जब कोई स्क्वायर में रहता है तो उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर ऑफ 1 बाय 2। तो जब इसका 1 बाय 2 कर देंगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा दू दू। जब दू दू कट जाता है, या फिर इस रूट को इधर लाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? F1 प्लस F2। अब F1 का मान कितना दे दिया? 10। F2 का मान कितना दे दिया? 5। तो जोड़ दीजिए दोनों को, 10 प्लस 5 बराबर कितना? 15। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स उस पर जो अप्लाई हो रहा है वो 10 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो है किसी ऑप्शन में क्या 15 न्यूटन? ऑप्शन नंबर सी में है। अतः आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल थोड़ा बाबू टफ था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एक कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक ही दिशा में बल लगेगा, बल दो गो लगे, तीन गो लगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब एक ही दिशा में बल लगेगा तो वो बल जब एक ही दिशा में लगता है तो वहां पर उसके कोण का मान कितना होता है? वहां पर थीटा 0 डिग्री होता है। अब विपरीत दिशा में लगेगा तो थीटा 90 डिग्री, सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री, और डिफरेंट डायरेक्शन में 180 डिग्री। तो यहां पर चूंकि सेम डायरेक्शन में था, अतः थीटा हो गया 0 डिग्री। अब रिजल्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ एफ वन एफ टू था, तो अंडर रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। आप उसी को सॉल्व कर लिए, चूंकि कॉस थीटा के जगह 0 डिग्री हो गया तो इसका मान 1 हो गया। अब ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए। अब होल स्क्वायर जब रूट में रहता है तो जानबे करते हैं रूट हट जाता है, स्क्वायर भी हट जाता है, तो बच गया एफ वन प्लस एफ टू। एफ वन का मान 10, एफ टू का मान 5, तो 10 प्लस 5 बराबर कितना? 15। पक्का ना? 100%। यदि बाबू आपके दिमाग में सेट हो गया होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और डेली रात के 8 बजे आप हमसे इस न्यूमेरिकल के क्लास में जरूर मिलिए, हम आपका इंतजार करेंगे। आपका स्वागत करते हैं हम कि आप इस तरह से पढ़िए और आप नौकरी लेकर अच्छे पद पर जाइए। ग्रुप डी में होने के बाद भी लगातार लगे रहिएगा, आप लोग ऑफिसर बनिएगा बाबू, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन आप थोड़ा मेहनत कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, और अपने लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत में कभी कमी मत लाइए, क्योंकि यही मेहनत आपका रंग लाएगा। यही पसीना जो रात के 8 बजे चल रहा है आपके सामने, यही पसीना क्या करेगा? रंग लाएगा। चलिए, गुड इवनिंग करने वाले सभी लोगों को गुड इवनिंग है। बढ़िया से पढ़िए, कोई कमेंटबाजी पर हम ध्यान नहीं देंगे, बस आप जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए? पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो का लाइक जरूर कीजिए, और कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया बात लिखिए। जैसे कुछ कुछ बच्चा लव यू लिख देता अच्छा लगता है, कुछ दिल का चित्र भेज देता अच्छा लगता है, तो ये सब भेजते रहिए चलिए, लेकिन पढ़ाई पर मेन फोकस कीजिए, एकदम समझने पर आप लोग ध्यान दीजिए। पक्का ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आंसर आ गया किसका कितना बाबू रे? 15 न्यूटन। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई अगला सवाल क्या कहता है, एकदम आराम से देखिए। यह अगला सवाल आपका कहता है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु, यानी कहता है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना किलोग्राम है भाई? 10 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान कितना दे दिया भाई? 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु है। अब उस पर बल कितना लग रहा है?
10 किलोग्राम की द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना न्यूटन का? 10 न्यूटन का एक बल लग रहा है। तो क्वेश्चन पूछा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्लाई होगा। अब बताइए द्रव्यमान कितना दे दिया 10 किलोग्राम, अब बल उस पर कितना लग रहा है 10 न्यूटन। तो आप एफ बराबर एक फॉर्मूला जानते होंगे। एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़े थे ना एफ बराबर एम ए। तो जब एफ बराबर एम ए हो गया, एफ का मान 10 दे दिया, एम का मान भी 10 दे दिया, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा क्या? कितना निकल जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 10/10 यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या लिखा? निकाय जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तुरंत से क्या करेगी? गति करेगी। यानी इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। पक्का ना? इसका आंसर क्या हो गया भाई रे? तो ऑप्शन नंबर सी कंफर्म है। चलिए मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। F का मान दिया था, M का मान भी दिया था, A निकाल लिए, तुरंत 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया, और इस तरह का ऑप्शन किसमें लिखा हुआ था? ऑप्शन नंबर सी में। इसी तरह के पूरा न्यूमेरिकल जितना आपके ग्रुप डी के ALP के टेक्नीशियन में पूछा गया है। देखिए 2018 के ALP टेक्नीशियन में पूछा गया यह न्यूमेरिकल है, और उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप इस चीज को समझ रहे होंगे, और समझ रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे हमसे जुड़ सके, और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हर बच्चा जो हमसे पढ़ना चाहता है, जिससे उम्मीद है, जिसके दिल में सरकारी नौकरी का, जिसमें जज्बा है सरकारी नौकरी का, हम वहां तक पहुंचेंगे और उनको नौकरी दिला कर रहेंगे। मैंने ऐसा वादा कर लिया है, और आप हमारे इस वादा को साकार करने में आप हमारी मदद करें। क्लियर? समझ में आ गया 100%? चलिए मेरे दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल कहता है, एकदम आराम से देखिए, कहता है एक स्थिर बल जो है 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। ध्यान दीजिए, वस्तु का द्रव्यमान कितना दे दिया? 5 किलोग्राम, और कितना समय तक बल काम कर रहा है? फोर्स उस वस्तु पर 2 सेकंड के लिए काम कर रहा है। कितना सेकंड के लिए? मात्र 2 सेकंड के लिए फोर्स जो है उस वस्तु पर काम करता है। कौन वस्तु पर? जिस वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। और कहता है कि वस्तु के वेग में 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है, तो बल का मात्रा ज्ञात करें। तो आपसे क्या पूछा? उस फोर्स के बारे में पूछा जो फोर्स उस वस्तु पर लगा है। तो मान क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दे दिया? 5 किलोग्राम। टाइम कितना लग रहा है उसमें? 2 सेकंड का। और वेग क्या है? यू का मान दे दिया 4, और वी का मान कितना दे दिया? 7। U का मान दे दिया 4, V का मान दे दिया 7, और टाइम दे दिया 2 सेकंड। तो आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा M का भी मान 5 दे दिया, तो आपसे पूछा कि उस पर बल कितना लग रहा है। तो सबसे पहले बल को निकालने के लिए द्रव्यमान और त्वरण चाहिए। सबको पता है कि यदि फोर्स निकालना रहेगा तो क्या क्या चाहिए? आपको मास भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा से पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? v - u/t। ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी, तो ये हो जाएगा 7 घटाओ 4 बट्टा कितना? 2। तो 7 में 4 गया 3/2, एक्सेलरेशन 3/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया, और वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम। तो पूछा क्या? बल। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए एफ बराबर एम इंटू ए। एम का मान कितना था भाई? 5 था, और ए का मान कितना निकला? 3/2 निकला। तो 5 × 15/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 न्यूटन। कितना न्यूटन? 7.5 न्यूटन। है किसी ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया भाई रे? ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए कुछ नहीं था, प्रारंभिक वेग दिया हुआ था, अंतिम वेग दिया था, समय दिया था, और वस्तु का द्रव्यमान दिया था। तो यहां से हम लोग क्या सोचे, क्योंकि बल निकालने के लिए द्रव्यमान भी चाहिए और त्वरण भी चाहिए, तो यहां से हम लोगों ने क्या सोचा कि सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो आराम से बल निकल जाएगा। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक्सेलरेशन निकाले, और त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी, ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी। तो ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी अप्लाई किए, 3/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब मान बैठा दी, एम का मान दिया था, ए का मान निकाल के बैठा दिए, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 7.5 न्यूटन। पक्का ना? एकदम 100% सेट हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला सवाल कहता है, एकदम गौर करेंगे, कहता 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा। गौर कीजिएगा, इतना मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिशील है, यानी प्रारंभिक वेग कितना हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, प्रारंभिक वेग कितना हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो अंतिम वेग चूंकि वस्तु को गेंद को रोक दिया गया है, जब गेंद को रोक दिया गया तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा जीरो, और टाइम कितना दिया हुआ है 0.05 सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है 0.05 सेकंड, और वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है m दिया है 100 ग्राम, तो 100 बटा क्या हो जाएगा 1000 किलोग्राम, 2 0 0 कट जाएगा तो इसको 0.1 किलोग्राम आप कह सकते हैं, यानी वस्तु का द्रव्यमान कितना दे दिया 0.1 किलोग्राम दे दिया। अब यहां पर यू भी और टी दिया है और आपसे पूछा बल के बारे में, तो एफ बराबर तो एम ए होता है, तो यहां से पहले हम लोग क्या करेंगे ए का मान निकालेंगे, ए बराबर भी माइनस यू बट्टा टी, भी का मान 0, यू का मान -30, अब बट्टा कितना 0.05, ई हो जाएगा -30 बट्टा 0.05, 0.05 उड़ा देंगे तो गुना 100, 5 6 30, तो ईत बाबू निकल गया -600 ना हो, ई निकल गया -600 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब -600 निकला एक्सेलरेशन, इसका मतलब रिटार्डेशन हो गया, त्वरण हो गया, लेकिन ये लिखा था बाबू पॉजिटिव में, तो ई हो गया -600, क्या ए का मान और एम का मान कितना हो गया 0.1, तो पूछा क्या फोर्स, तो एफ बराबर एम इंटू ए, तो ए हो गया 0.1 गुना कितना 600, इसको उड़ा दीजिएगा 10, 1 0 1 0 कट जाएगा, कितना निकल गया 60 निकल गया, इसका मतलब उस पर औसत बल कितना लग रहा है तो 60 न्यूटन लग रहा है, किस ऑप्शन में भाई रे, तो ऑप्शन नंबर डी में है, पक्का ना। देखिए और ये देखिए आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, 23/10/2018 में पूछा गया था और थोड़ा सा ये टफ था, लेकिन आपने आसानी पूर्वक इसको समझ लिया। प्रारंभिक वेग का मान कितना दे दिया 30 दे दिया, समय कितना दे दिया 0.05 दे दिया, अंतिम में चूंकि बॉल को रोक दिया गया तो अंतिम वेग 0 हो गया, और वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है, 100 ग्राम का मतलब क्या 100/1000 किलोग्राम, यानी 0.1 किलोग्राम, तो मास हो गया इसका 0.1 किलोग्राम। अब सबसे पहले क्या किए हम, त्वरण निकाल लिए, और ए का मान कितना निकला, ए का मान निकल गया -600 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण जब निगेटिव में आ जाए इसका मतलब रिटार्डेशन होता है, अब ये आ गया -600, तो ए का मान 600 और इसका मान 0.1 गुना कर दिए तो आंसर कितना आ गया 60 न्यूटन आ गया, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 न्यूटन, पक्का ना। चलिए तो ये टॉपिक जो अभी आप देख रहे थे गति और गति समीकरण, इसका ये सारा न्यूमेरिकल, सारे टाइप का न्यूमेरिकल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, वो आज खत्म होता है, फिर मुलाकात अगले क्लास में होगी इसी टाइम संध्या रात के 8 बजे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।